Happy anniversary to you. To you. Happy anniversary. वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग. तो पेश है ये नया ब्लॉग आप लोगों के लिए. तो आज कुछ स्पेशल डे है हम लोग के लिए. तो उस स्पेशल डे में तो हमेशा पहले हम लोग मंदिर जाते हैं. तो अभी हम लोग मंदिर चल रहे हैं और खाना वाना बना लिए हैं, सब कुछ ले लिए हैं, वहीं पे बैठ के खाएंगे. तो अभी हम लोग मंदिर जाएंगे और क्यारा को भी तैयार कर दिए हैं और ये भी तैयार है नया नया पहन के. आई गिफ्ट की है हमको नेहा. कितना सुंदर लग रहा है कलर. तो ये गिफ्ट हम आज नेहा का गिफ्ट पहने. ओह तो ये भी हम खरीदे हैं एनिवर्सरी के लिए ही. तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, दिखाते हैं वहाँ पे जाके क्या क्या करते हैं हम लोग. प्रसाद लेने गए हैं और लोटकी सब देता है जल चढ़ाने के लिए, प्रसाद देता है, माला देता है. तो वहाँ पे वो ले रहे हैं और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं. तो अब हम लोग पूजा करने जा रहे हैं. अशोक धाम मंदिर आए हैं जो कि लखीसराय में फेमस है और ये सारा सामान देता है चढ़ाने के लिए. तो अभी जा रहे हैं अंदर दिखाते हैं. तो वहाँ जा रहे हैं कुआं पे हम लोग जल भरने के लिए. पहले दीजिए हम ही पकड़े, आप जल भर के आइए, मेरा भीग जाएगा. चलो 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 क्यारा आगे, वहाँ मम्मा उधर है. चलो आ रहे जल चढ़ा के आ रहे. उससे जल चढ़ाएंगे भगवान जी को. हे गाइस, तो यही मंदिर है जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत भव्य मंदिर है. और यहाँ पे है बसहा बाबा और ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर, यही है पार्वती जी का. और यहाँ पे नेहा लोग अभी खा रही है, क्यारा को खिला रही है. खा रही हो, खिला रही हो क्यारा को? मंदिर में तो अलाउड नहीं है, लेकिन क्यारा को देख करके पंडित जी बोले कोई बात नहीं, बच्चा है खिला दीजिए ना. बहुत ज़्यादा भीड़ है आज. हाँ बहुत भीड़ है. हम लोग का भी तो हो ही गया, पूजा तो कर ही लिए और बस अब है खाएंगे यहीं पे, थोड़ा देर रहेंगे, पिकनिक टाइप मनाएंगे. तो हे गाइस, क्यारा का तो हो गया था खाना खा ली क्यारा? तो हम लोग खा रहे हैं खाना जो कि घर से लेके आई थी, पनीर का भुजिया, बैगन, रोटी खाएंगे. अब थोड़ा देर यहाँ एंजॉय करेंगे. तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं पूजा करके, खा पी के, फोटो तो लेके थोड़ा देर बैठे थे, आधा एक घंटा बैठे भी. और उसके बाद अब निकल रहे हैं यहाँ से, अब घर जाएंगे. आज तो हम लोग तो मंदिर से आ गए थे और नेहा थक गई थी क्योंकि सुबह उठी थी, खाना बनाई, खाना पैकिंग की, नहाई क्यारा को, फिर खुद नहाई, हम लोग नहाए, फिर सुबह थक गई थी, जल्दी उठे थे आज हम लोग. तो अभी नेहा और क्यारा दोनों सो रहे हैं, चलिए दिखाते हैं आपको. दोनों सो रहे हैं. तो हम लोग आज घर पे ही सेलिब्रेट करने वाले हैं. इस बार हम लोग कुछ बाहर या कुछ स्पेशल प्लानिंग नहीं किए हैं. नेहा तो पूरे केक भी नहीं काटेंगे आज, तो हम बोल रहे नहीं केक तो काटना ही होगा. तो अभी हम पहले जाते हैं मार्केट कुछ तैयारी करने के लिए, कुछ सामान जो नहीं है वो लाने के लिए. ब्लॉग में बने हुए रहेगा क्योंकि शाम को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो आपको ब्लॉग के लास्ट में ही पता चलेगा. तो स्टे ट्यून्ड प्लीज. हम मार्केट से आ गए हैं
और दिखाते हैं सबसे पहले कि हम लोग क्या लिए हैं। मतलब एक तो लिए हैं ये प्यारा सा गुलाब, और ये बैग में लगाने वाला, और ये हैप्पी एनिवर्सरी वाला जैसा कि आपने देखा था, और केक वाला मिस्टर मिसेस वाला, और ये एक पॉट लिए हैं जो कि टेबल पे रहेगा। तो अब इसको सजाना है, डिसाइड करते हैं। दो रूम है, एक तो रूम ये है, ये वाला रूम है, लेकिन यहाँ पे बेड लगा हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे बेड लगा हुआ है तो देखते हैं ये रूम। एक और एक रूम है, एक रूम ये है, तो यहाँ पे स्पेस है वैसे तो, और यहीं पे हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे सजाएं अभी, यहीं पे हम सोच रहे हैं कि यहीं पे थोड़ा अरेंज कर ले जब तक नेहा सो रही है, और इस रूम में काम बहुत कम भी है तो ये रूम खोलेगी भी नहीं नेहा। तो सारा अरेंजमेंट हो गया, वो भी कर लिए छोटा मोटा जो कि घर पे कर रहे हैं, और नेहा बोली थी कि केक वेक नहीं लाने, तो उसको हम ऐसा प्रैंक मारेंगे ना आज कि वो परेशान हो जाएगी, सही में परेशान कर देंगे आज उसको। ऐसा प्रैंक आज उसके साथ होने वाला है। और ये भी गुलाब का फूल जो कि लाए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये टेबल के लिए, और ये लास्ट में केक के लिए बच गया मिस्टर मिसेस वाला, ये केक जब आएगा, और केक भी बहुत खूबसूरत ऑर्डर करके आए हैं जो कि आने के बाद दिखाएंगे। अभी तक दोनों सो रहा है घोड़ा बेच के। कैसे सो रहा है। तो ये हम लगा देते हैं गेट, ताकि ये गेट खुले ना। देख सकते हैं पूरा सेटिंग अरेंजमेंट हम करके रखे हुए हैं। लाइट को करते हैं ऑफ और लगा देते हैं गेट को। अब हम टाइम हो गया है 3:15। नेहा को उठाते हैं, बोलते हैं भूख लगा है, क्योंकि भूख तो लगी गया है। डर क्या गई, बंद हो गया। खाना नहीं खाएगी 3:30 बजे। चलो, क्या सो रही है। तो आज एनिवर्सरी के दिन भी नेहा एज यूजुअल अपना खाना बनाए जा रही है क्या। हाँ बेटा, क्या हुआ। ओ तुम भी खाना बना रही है क्या। रहा भी अपना रोटी बनाई है। अच्छा खाते हैं, रुको थोड़ा देर में, हमको खिला रहे थे वहाँ ब्रोकली मकई। तो क्या बना रही हो। और सब्जी भुजिया। तब आज यही खा के सो जाना है। केक तो तुम बोली नहीं लाने, तो लाए भी नहीं हम। ऑर्डर कर दे जोमेटो से। हुआ क्या कि आज बोल रही है केक नहीं लाइए, छोड़ दीजिए। और आज पहली बार बोल रही थी दिन में, हम जब आए मंदिर से तो बोल रही थी जाइए ऑफिस चल जाइए, घर में क्या कीजिएगा। मतलब सीरियसली वाला, मजाक वाला नहीं बोल रही थी। मतलब आज तुम चेंजिंग काहे लग रही हो। तो अब क्या कर सकती हो। खामोशी से मतलब कुछ नया कुछ हो करने से पहले शांति होता। बाप रे बाप, मतलब फूटेगी क्या, गुस्सा दिखाएगी बाद में क्या। कुछ अच्छा करेंगे तो उसके लिए कुछ हम लोग को त्यागना भी पड़ता है, तो इसलिए अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे। ठीक है गाइस, तो चलते अब खाना खाने। चलो खाना खाने के लिए, भूख लग गया। चलो क्या आओ नहीं रूम में, चलो नेहा हॉल में खाएंगे, भूख लग गया। चलो कह रहा खाना खाएगी ना। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं।
और खाना नेहा बना के रखी है। देखो, रूम में मेरा लोअर है, ला दो तो। ये रूम में मेरा लोअर है, निकाल के ला दो ना। चेंज करेंगे, पैंट जींस पहने हुए हैं। ला दो ना, ब्लॉग है तो ब्लॉग में सब दिखा रहे हैं, वीडियो में क्या बोल रहे हैं, हद हो गया। क्या हद हो गया, क्या किए आप? तुम नाटक कर रही थी सुबह से। नहीं 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 कर रही थी, कह रहा क्या है इसका रिएक्शन देखिए क्या रहा क्या है। अमिता मेहनत से सजाए हैं आज, छोटा मोटा ही सजाए, देखो कि ना मेहनत से सजाए, क्या रहा क्या है। क्यों लेकिन किए? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी है। हाँ बोले थे ना नहीं काटना, क्यों कहाँ लिखा हुआ है क्या नहीं काटना है केक? नाटक अब कार, मतलब हम सजा दिए सारा चीज कर दिए, उसके बाद तुम्हारा नाटक चल रहा है कि केक नहीं काटना है। हाँ देखो केक हम कितना सुंदर लाए, देखियो खोल के देखो। हमको अब तक केक ला के रखे, तुमको तो वही तो कुछ पते नहीं रहता है, अभी नए लाते तो फिर सुनाते रहते। एगो केक नहीं आ सकता था आपसे? ए हम बोले थे ना इस बार हमको नहीं। क्या रहा केक खाएगी क्या? गाइस तो देखिए कितना सुंदर केक लाए सिलेक्ट करके, हार्ट शेप, विशाल ने। हाँ वेनिला, हाँ वेनिला ही होगा। हे गाइस तो ये सरप्राइज था मेरे, मतलब सरप्राइज तो क्या, मतलब पता तो था ही, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि हम केक वेक ले आए, ये छोटा मोटा अरेंजमेंट किए हैं। तो अभी अब हम लोग केक काट रहे हैं, और क्यारा जो है ना केक काटने के लिए ना बहुत उत्तेजित हो रही है। नहीं, दो तीन बार चाट भी चुकी है। तो चलिए अब हम लोग केक काटते हैं, काटा जाए क्या रहा? तो हम लोग तैयार, तुमको बोलना होगा हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, ठीक है? ठीक है चलो स्टार्ट करो। हैप्पी एनिवर्सरी बर्थडे वाला अभी नहीं है तो हम ही लोग बोलेंगे, पकड़ो क्या रहा? हम लोग क्यों बोलेंगे, गाना बजा लेंगे बाद में ना। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। चलो सबसे पहले क्यारा को देते हैं। लो बेटा, हाँ बहुत देर से वेट कर रही थी, परेशान थी खाने के लिए एक्चुअली में। हैप्पी एनिवर्सरी, कैसा है क्यारा? अच्छा है, उधर देख के मांगो ना, वो बोल रही ऊपर देख, और दो और दो टेस्टी है ना क्यारा? क्यारा को तो वैसे भी कोई भी केक पसंद आता है, ये वाला इसी के लिए लाया था, और बच भी जाएगा शायद। हाँ तो हम लोग ऐसे ही घर में एकदम नॉर्मली सेलिब्रेट किए इस बार ना। हाँ मैं तो हर बार बाहर ही रहते हैं एनिवर्सरी में कम से कम। तो अच्छा है यहीं पे सेलिब्रेट किए, होना भी चाहिए, हमेशा ऐसे भी होना चाहिए। खुद पे खुद बोल रहे हैं और क्या ही बोले हम। हे गाइस देखिए अभी केक कट गया, ये लोग कैसे रंग कूद पड़ा है केक खाने के लिए। क्यारा कैसे खा रही हो केक? हाँ देखिए, हाँ देखिए, अब तुम भी अब क्या रुक गई, अभी अभी मतलब काट के रख दिए मेरे लिए, कहती आप भी खाइए केक अच्छा है, तो हम भी खा रहे हैं। सही में अच्छा है, तभी खा रहे हैं तो वैसे खाते नहीं। होली है, होली है, होली है, होली है, होली है, होली है, क्या रहा? होली है कर दो, होली है, होली है, हमको भी लगा दे तुम, हम तो उसको लगा रहे थे, तुम लगा दीजिए। वाह क्या रहा, केक से भी होली खेल ली। हे गाइस तो यहीं पे एंड करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो को, होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे हमारा वीडियो देखना मत भूलिएगा, और क्या दीजिए उमंग।